हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैक्सवेल स्टडी हब। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक, ठीक है, इंडियन क्लाइमेट। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे के टॉपिक, इंडियन क्लाइमेट। अब देखते हैं कि इंडियन क्लाइमेट क्या है। जैसे हमने ब्राजीलियन क्लाइमेट के कुछ यूनिक देखे, अब हम इंडियन क्लाइमेट के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इंडिया क्लाइमेट इज अ मनसून टाइप। ठीक है, यानी कि हमारा इंडियन क्लाइमेट अगर हम देखते हैं और अगर हम इंडियन क्लाइमेट के ऊपर वेदर फोरकास्टिंग करते हैं और जो फैक्टर्स के थ्रू ये पता चलता है हमें कि हमारा जो क्लाइमेटिक है वो क्लाइमेट कैसा है, मनसून टाइप है ना। वॉट इज मनसून टाइप, यानी कि थ्रू आउट द ईयर कहीं ना कहीं बरसात तो हो रही होगी। ठीक है, यानी कि अगर पर्टिकुलर स्टेट के कुछ वेस्टर्न में बरसात हो रही है तो कुछ वक्त ईस्टर्न में होगा, या कभी किधर नॉर्दर्न पार्ट में होगा, या कभी सदर्न पार्ट में बरसात हो रही है। सो हमारे कंट्री में होता क्या है कि थ्रू आउट द ईयर कहीं ना कहीं स्टेट में बरसात होती है, और वो बरसात होने का वो जो मानसून है, वो मानसून का जो ऑन टाइम होता है, ऑफसेट टाइम होता है, वो काफी ज्यादा अलग अलग होता है, वेरिएशन होते हैं। द सन रेज पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। ठीक है, हमारा कंट्री जैसे आप जानते हो अपने लोकेशन एंड एक्सटेंट में, अगेन द चैप्टर इज लिंक्ड विद द चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जहां हमने देखा कि हमारे इंडिया के मिडल ऑफ द कंट्री से इक्वेटर पास होता है, इक्वेटर पास होने की वजह से इंटेंस हीट होता है, इंटेंस हीट की वजह से हमारे पर्टिकुलर कंट्री में टेम्परेचर भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, देन एज अ रिजल्ट एवरेज टेम्परेचर इज हायर थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कि अगर जिस पर्टिकुलर टाइम पर बरसात नहीं हो रही है उस वक्त पे, एब्सेंस ऑफ मानसून के वक्त पे क्या होता है कि काफी ज्यादा यहां पर बरसात होती है, हायर टेम्परेचर यहां पर होता है। ऑल्सो द टेम्परेचर इंक्रीजेस टूवर्ड्स द साउथ। जैसे जैसे हम साउथ की टूवर्ड्स जाएंगे, साउथ की टूवर्ड्स भी यहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। सिंस मिडल ऑफ द पार्ट से इक्वेटर पास हुआ है, सो ऐसा नहीं है कि नॉर्दर्न पार्ट में ही है और सदर्न पार्ट में नहीं है, नहीं, ब्राजील की तरह नहीं है। हमारा इंडिया का जो क्लाइमेट है, यानी कि जो टेम्परेचर है, वो काफी ज्यादा है और इंडियन नॉर्दर्न पार्ट में भी है, एंड इट इज सेम इक्विवेलेंट फॉर सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री टू। ठीक है, Also the temperature increases towards the south. In winter, the temperature drops to -40°C in Jammu and Kashmir and parts of mountainous region of Himalaya. ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही विंटर आता है, आपको पता है कि हमारे कंट्री में जैसे हर चीज के लिए एक वेरिएशन है, वो चाहे खाने के मामले में हो या कल्चर का हो या किसी भी पर्टिकुलर रीजन का हो। ठीक है, सो जैसे ही बहुत सारी वेरिएशन है, हमारे क्लाइमेट में भी बहुत सारी वेरिएशन है। ठीक है, समर है, विंटर है, ऑटम है, आप लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ी है। सो जम्मू एंड कश्मीर में विंटर के वक्त पे जो टेम्परेचर गिर जाता है वो -40°C पे आ जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे सबसे पहली चीजें जो हम ये टॉपिक में पढ़ रहे हैं, वो सबसे पहला बात ये है कि हमारा मानसून टाइप क्लाइमेट है। दूसरी चीजों पे जो फोकस करने वाला है वो ये है कि थ्रू आउट द ईयर हमारा एवरेज टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, और हमारे कंट्री के जो टेम्परेचर होते हैं उनके जो डिफरेंसेस होते हैं उसमें कहीं ज्यादा अंतर होता है। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंसेस होता है पर्टिकुलर स्टेट्स में या पर्टिकुलर जगह पर वो बहुत ज्यादा है। इवन आप लोगों ने जो ब्राजीलियन क्लाइमेट के बारे में आपने जब स्टडी किया, सो आपने देखा वहां पर कि वहां के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है, वो इतना ज्यादा है नहीं, वो इतना ज्यादा उठकर दिखता नहीं है जितना हमारे इंडिया में होता है। ठीक है, देन द डाइवर्सिटी इन अ क्लाइमेट इज ड्यू टू लैटिट्यूडनल लोकेशन एंड अल्टीट्यूड ऑफ प्लेस। ठीक है, डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है क्लाइमेट में, और ये डाइवर्सिटी इन द सेंस वेरिएशन, ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन क्यों है, बिकॉज ऑफ लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल। ठीक है, लैटिट्यूडनल एंड अल्टीट्यूडनल, अल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को ब्राजील के वक्त पे भी बताया कि जितना ज्यादा वास लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, क्लाइमेट पे वेरिएशन पड़ेगा। सिमिलरली इंडिया का भी ये एक चीज सिमिलर है हमारे ब्राजील से। Then, the Indian Oceans and Himalayan ranges exert a great influences on the climate of India and the origin of monsoon. ठीक है, हमारे जो हिमालय है, अगेन वो एक स्पेशल यूनिक फीचर है जो हिमालय के, कि हमारा हिमालय से ही हमारी मानसून का ओरिजिन हुआ है। सो हिमालय इज ऑल्सो नोन फॉर द ओरिजिन ऑफ द मानसून फॉर इंडिया।
सिंस हिमालय एक हायर एल्टीट्यूड, एक हाई एलिवेटेड पोर्शन है, एक हाई एलिवेटेड पोर्शन पार्ट है, ठीक है, माउंटेन्स सो और वो स्नो कवर्ड है, ठीक है, ये जैसे हमारे ब्राजील के हाईलैंड्स हमारे एक्ट करते हैं एज अ ब्राजीलियन शील्ड, वैसे हमारे हमारे जो हिमालय है वो हिमालय एक्ट करते हैं यहां पर एज अ शील्ड, ठीक है, जो क्या करते हैं ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं विंड को. वेरी कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हिमालय. ठीक है, जितने भी कोल्ड विंड्स जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट से आने वाले होती है एशियन कॉन्टिनेंट से, सो उसको ब्लॉक करता है हिमालय. सिमिलरली द साउथ वेस्ट मनसून रिट्रीट फ्रॉम शिवालिक एंड हिमाचल रेंजेस ऑफ द हिमालयस. ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर इन समर लो प्रेशर एरिया डेवलप इन द पंजाब एंड थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान. ठीक है, अब होता क्या है यहां पर कि हाई प्रेशर होने की वजह से, ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से प्रेशर क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है. हमेशा याद रखो कि हायर द प्रेशर लोअर द सॉरी हायर द टेम्परेचर लोअर द प्रेशर, हायर द टेम्परेचर लोअर द प्रेशर. आई रिपीट, हायर द टेम्परेचर लोअर द प्रेशर. जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना ही उस पर्टिकुलर जगह का प्रेशर कितना होगा, बहुत ही ज्यादा लो होगा. ठीक है, सो राजस्थान पंजाब जैसे जो रीजन है जो एकदम इक्वेटर के पास होते हैं, ठीक है, फॉल होते हैं, वो पर्टिकुलर रीजन में टेम्परेचर काफी ज्यादा होने की वजह से वहां पर लो प्रेशर होता है और वहां पर इतना ज्यादा मानसून का इफेक्ट नहीं होता. ठीक है, देन कंटिन्यू करते हैं. दिस अट्रैक्ट्स द विंड्स कमिंग फ्रॉम द हाई प्रेशर इन द ओशन टू द मेन लैंड इन इंडिया. ठीक है, अगर मैं विंड के फ्लो की बात करता हूं, देखो इसके अंदर भी साइंस है कि विंड का जो फ्लो होता है वो फ्लो कैसा होता है. ठीक है, विंड का फ्लो हमेशा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर होता है. कैसा होता है, हायर प्रेशर टू लो प्रेशर. विंड ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है, सो जहां पर हीट बहुत ज्यादा है वहां पर टेम्परेचर बहुत लो है, सॉरी जहां पर हीट बहुत ज्यादा है जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है उस पर्टिकुलर रीजन का प्रेशर बहुत ही लो है, और जिस पर्टिकुलर रीजन में बहुत कोल्डनेस है, ठीक है, यानी कि मॉइस्चर वहां के क्लाउड्स वगैरह में बहुत ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर जगह का जो टेम्परेचर है वो कैसा, प्रेशर जो है वो कैसा है, हाई. तो हमेशा जो विंड ट्रैवल करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सो होता क्या है कि यहां पर जो राजस्थान जैसे है जहां पर लो प्रेशर है वहां पर जो विंड जाते हैं वो सदर्न पार्ट से आते हैं, बिकॉज सदर्न पार्ट में ओशंस है, ओशंस में मॉइस्चर ज्यादा है. सो उस पर्टिकुलर जगह का कोल्डनेस की वजह से, ठीक है, मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर कूलिंग होने की वजह से वहां का प्रेशर हायर है, और पंजाब जैसे कंट्री में, राजस्थान जैसे कंट्री में जहां पर टेम्परेचर बहुत ही गर्म है, बहुत ही ज्यादा इंटेंस हीट है, वहां पे प्रेशर लो है. तो विंड कैसे ट्रैवल करता है, साउथ से नॉर्थ की टूवर्ड क्या कर रहा है, विंड ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, मेन लैंड के, इंडिया के मेन लैंड के टूवर्ड्स. दिस मॉइस्चर लिडन विंड्स ब्रिंग द रेन. और यही जो विंड होते हैं ये लिडन करते हैं किसको, मॉइस्चर को. मॉइस्चर को लिडन यानी कि मॉइस्चर को एक्यूमुलेट करके चलते हैं और यही बरसात लाते हैं. बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट इट मोर रेन इन द कोस्टल. ठीक है, अब ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट के ऑब्स्ट्रक्शन के होने की वजह से, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि पीक्स वगैरह होने की वजह से, वेस्टर्न घाट वगैरह में भी अगर आप देखोगे तो डेक्कन प्लेट्यूज वगैरह है जहां पर अरावली रेंजेस वगैरह काफी सारे जो रेंजेस है, जो हिल्स है, पीक्स है, ठीक है, इनके ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल यहां पर देखने मिलता है. रेनफॉल इज कंपैरेटिवली लोअर इन राजस्थान एंड गुजरात. ठीक है, काफी कम होता है, ये आप पहले से ही जानते हो इंडिया की हिस्ट्री से ही. द ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स बिकॉज ऑफ द नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हिमालयस. ठीक है, जैसे हाईलैंड्स एंड एस्कार्पमेंट ब्राजील में ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल लाते हैं, वैसे ही हिमालय जो है हमारा वो हमारे इंडिया में ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल लाता है. ठीक है, दिस विंड रिटर्न फ्रॉम द हिमालय एंड ब्लो अगेन टूवर्ड्स इंडियन ओशन. ये विंड क्या करते हैं, हिमालय से टकराते हैं. हिमालय से टकराने के बाद जैसे एक पर्टिकुलर लाइट किसी आईने को या किसी मिरर को टकराता है और टकरा कर रिफ्लेक्ट करता है, उसी तरीके से ये विंड्स क्या करेंगे, हिमालय को जाएंगे, हिमालय से टकराएंगे और टकराकर वापस इंडियन ओशन की टूवर्ड्स बढ़ना स्टार्ट कर देंगे.
ठीक है. सो व्हाइल ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ टुवर्ड्स द ओशन दिस विंड ब्रिंग्स रेन टू सम पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला. ठीक है, जब ये विंड गए, विंड जाकर हिमालय को टकराए और टकराकर वापस आए, ठीक है, तो क्या हुआ कि जब विंड साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल कर रहे थे, देखो वेरी वेरी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन द मॉइस्चर लेडन विंड्स आर ट्रेवलिंग फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, ये क्या करते हैं कि पर्टिकुलर जगह पर बरसात देकर जाते हैं, यानी कि रेन होकर जाता है, ठीक है, और जब ये वापस से नॉर्थ में हिमालय से टकराकर साउथ की टूवर्ड्स बढ़ते हैं, तो जब ये नॉर्थ टू साउथ वाया वापस आते हैं, सो क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में वापस ये बरसात लेकर जाते हैं. इस तरीके से हमारे पूरे कंट्री में थ्रू आउट द ईयर कहीं ना कहीं रेनी होता ही है, ठीक है. और ये जो प्रोसेस होता है, ये जो पर्टिकुलर सीजन है, यानी कि आधा बरसात होकर ले जाना और वापस आते वक्त आधा बरसात करना, इन्हें बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून सीजन. क्या बोलोगे? रिट्रीटिंग मानसून सीजन. दिस इज रिट्रीटिंग मानसून सीजन इन इंडिया. ठीक है, इन जनरल द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉट थ्रू आउट द ईयर. जनरली अगर आप बोलोगे, एवरेज करोगे, तो क्लाइमेट इंडिया का हॉट ही है, ठीक है. Then, as Tropic of Cancer passes through the middle of the country, it is considered as a tropical region. जितने भी Tropic of Cancer pass होते हैं, ठीक है, वहाँ से जितने भी जो particular region fall होते हैं, वो particular region को tropical region बोलते हैं. India faces natural disaster like erratic rainfall, droughts, cyclones, फ्लड्स एक्सेट्रा फ्रीक्वेंटली. ठीक है, ड्यू टू मनसून, मनसून होने की वजह से और इंडिया के जो काफी ज्यादा बरसात होने की वजह से क्या होता है कि रेनफॉल काफी ज्यादा अच्छा होता है और ड्यू टू सम क्लाइमेटिक इफेक्ट्स. ठीक है, नाउ इंडिया इज अ मनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. ठीक है, सो वहां की मनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होने की वजह से जो नेचुरल क्लाइमिटीज होते हैं, जैसे फ्लड्स होता है, ठीक है, और रेनफॉल होता है, काफी ज्यादा सुनामी आते हैं, ये आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं. देन देर आर फोर सीजन एज पर द इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट. ठीक है, नाउ व्हाट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आर दोज डिपार्टमेंट विच स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन के अगर वो क्लाइमेटिक के बारे में स्टडी करते हैं, क्लाइमेटिक इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उन पे उनके ग्राफ्स बनाते हैं और उन पे नजर रखते हैं, वो डिपार्टमेंट जो है वो है हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. ठीक है, और एज पर द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देर आर फोर सीजन्स. ठीक है, हालांकि आपने काफी सारे सीजन पढ़े हैं ऑटम मानसून करके, बट जो मेन जो हमारा क्लाइमेट है, वेदर सीजन है, वो डिवाइडेड है फोर पार्ट्स में. आप देख सकते हो द हॉट वेदर सीजन, यानी कि हमारा समर, द सीजन ऑफ रेनफॉल दैट इज मनसून. ठीक है, द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मनसून, ठीक है, जब जिसके बारे में हम अब तक अनअवेयर थे. ठीक है, और द कोल्ड वेदर सीजन, यानी कि हमारा विंटर. सो दिस फोर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सीजन. ठीक है, सीजन फॉर सीजन इन इंडिया आर क्लासिफाइड इन टू फोर. ठीक है, एज पर द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हॉट वेदर सीजन, द सीजन ऑफ रेनफॉल, द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग एंड द कोल्ड वेदर सीजन. ठीक है, सो ये था हमारा क्लाइमेट इन इंडिया. ओके, सो क्विक रिविजन इसका भी कर लेते हैं कि इंडियन क्लाइमेट एक मनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है. देन हमने क्या पढ़ा कि यहाँ के जो क्लाइमेटिक के जो टेम्परेचर की डिफरेंसेस हैं वो काफी ज्यादा होते हैं. ठीक है, थ्रू आउट द ईयर यहाँ का एवरेज अगर टेम्परेचर देखोगे तो काफी ज्यादा होता है, हॉट होता है. ठीक है, यहाँ पर हिमालय एक्ट करते हैं, ठीक है, हैज अ शील्ड, और यहाँ के जो हिमालय होते हैं वो ओरिजिन ऑफ मानसून है. ठीक है, यहाँ के हिमालय जो है, ठीक है, वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं विंड्स को. ठीक है, देन हमने यहां पर क्या पढ़ा कि विंड के मूवमेंट के बारे में पढ़ा हमने ये स्लाइड में, जहां पर हमने पढ़ा कि विंड कैसे ट्रैवल करता है. ठीक है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है, और देन बाद में वी हैव लर्न्ड अबाउट द ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल, जो होता है वो हमारे हिमालय की वजह से होता है. ठीक है, देन हमने पढ़ा अबाउट द रिट्रीटिंग मानसून, जहां पर रिट्रीटिंग मानसून में हमने क्या देखा कि जो मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स हैं वो साउथ टू नॉर्थ मूव होते वक्त कुछ बरसात लेके जाते हैं और नॉर्थ टू साउथ आते वक्त कुछ बरसात करके आते हैं. ठीक है, देन हमने कुछ ये भी देखे कि ड्यू टू मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पर नेचुरल क्लाइमेटीज भी काफी ज्यादा होती है हमारे इंडिया में, जैसे सुनामी है,
ठीक है, साइक्लॉन्स है, ड्रॉट्स है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर रीजन में ड्रॉट्स जैसे भी सिचुएशंस है, कंडीशंस है, जैसे राजस्थान में कुछ जगह है, ठीक है। सो ये चीजें हैं और हमने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के नजर से, व्यू से, हमने फोर मेन क्लासिफिकेशन ऑफ सीजन देखे, हॉट वेदर सीजन, द सीजन ऑफ रेनफॉल, द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून एंड द कोल्ड वेदर सीजन। सो दिस आर द क्लाइमेट इन इंडियन क्लाइमेट, ठीक है, हमने पढ़ा क्लाइमेट इन इंडिया। ओके, सो वी आर एंड ऑफ दिस चैप्टर। होप आप लोगों को सारे वीडियोस में जो कंसेप्ट है वो आपको कंसेप्ट काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। इफ एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी कंसेप्ट, ठीक है, प्लीज मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, मैं पहुंचने की आप तक कोशिश करूंगा और आपकी ईच एंड एवरी डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट हमारे अपकमिंग चैप्टर में मिलेंगे हम, ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आप ये सारे नोट्स बना के रखो, ठीक है, विच इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, ठीक है। सो तब तक के लिए, ठीक है, प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।